विशाल भाई हमारे साथ है और पहाड़ी पैराडाइज में आज हल्द्वानी वाले बहुत बहुत स्वागत छू ना उसे हमारा वहाँ आसन दिन आ गया बुहारी कब लेके आ रही हूँ बुहारी यार अब आप ही ढूंढोगे फिर बुहारी मैं ढूंढता भैया जो लोग ब्लॉग को देख रहे हैं ठीक है कोई सुयोग की कन्या इनके लिए हो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सभी को प्रणाम सलाम सत श्री अकाल ये फंस गया किड़ो हाल है हम मालूम है तेरे बाप को मत तो दोस्तों ये है मैंने रखेंगे तुझे वो ये है मेरा भाई मेरा दोस्त मेरी जान मेरे गांव का है ये है पंकज भाई पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के तो बहुत तगड़ा डांसर है अब मेरी आंखें समझ के मत कहते ना नेपाल और लोग बोल देते हैं कुछ तरीका भीख मांगने तो है ही चिंकी है ही तू नेपाल से तो ये हाँ सॉरी बताना भूल गया ये नेपाल से आया है बस गजब बेइज्जती है बस इसको यहाँ बसा दिया इसको नेपाल से आया तो देवी नेपाल से आया इसको इसको उत्तराखंड में हमने जगह दी मैंने अपने गांव में जगह दी इसको तो ये आया है नेपाल से सो बहुत बड़ा तगड़ा डांसर है बहुत डांस वांस करता है कोरियोग्राफर भी है तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम पवन दास से मिलने आप लोग जानते हो गए शायद पवनदा दादी 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 करते रहते हैं जो सो अभी उनके घर जा रहे हैं उनने इनवाइट किया हुआ है भाइयों को तो उनके घर जा रहे हैं फिर देखते हैं क्या होता है ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर में यार रास्ता नहीं मिल रहा यार पता नहीं कहाँ का एड्रेस दे दिया समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है आटो रोड को जाती है और वहाँ को कमला गांव को जाती है एक बार बात करा दूंगे ये बता देंगे जब पवनदा के घर में बैठे हुए हैं चाय वाय पी ली है चाय तो नहीं कॉफी पी तो पवनदा से मिल ले आऊं मैं भी तो हेलो कैसा आप लोग विशाल भाई हमारे साथ है और पहाड़ी पैराडाइज में आज पधारे हैं हल्द्वानी वाले बहुत बहुत स्वागत छू ना उसे हमारा वहां छन दिन आ गया छन ठीक है कस लग रहा है अरे बढ़िया यार आपसे तो मिलके यार मजा ही आ जाता है बहुत बहुत मेरी मम्मी देखती है आपके ब्लॉग को अरे वाह माता जी को प्रणाम देखते रहे सब देखते हैं यार वहाँ बुहारी कब लेके आ रही हूँ बुहारी यार अब आप ही ढूंढोगे फिर बुहारी मैं ढूंढता भैया जो लोग ब्लॉग को देख रहे हैं ठीक है कोई सुयोग की कन्या इनके लिए हो पीने खाने वाले बिल्कुल नहीं है ठीक है और बहुत ही स्मार्ट है दोस्तों तो एक बार जरा इनकी तरफ भी कृपा दृष्टि बनाए रखिए है ना चलो दादा अभी मिलते हैं आपको बाकी दिखाते हैं जो भी होता है तो चाबी दे दी मैंने पवनदा को आज कहाँ जा रहे हो अरे यार तेरी भौजी ने कब से गनगनाहट लगा रखा है कब तक मैथ्यू के मकान में रहोगे अपना कूड़ कब तक बनाओगे अच्छा। तो वही काम चला रखा है यार वो रेता सीमेंट उतरने वाला था वही देखने जा रहा हूँ अच्छा मैं भी आऊँ फिर तुम्हारे साथ यार चलो मैं भी चलूँगी लेकिन नजर मत लगाना यार तू तेरा अमोशर है नजर नंथनान तूने वो हमारी हरी ककड़ी में नजर लगाई लगी सूख पड़ा है तब से ककड़ियां ही नहीं होती हमारी खतर में कितनी कर्ज लेनी पड़ती है ककड़ी गाइस 5-6 टेक लेने पड़े हैं तब जाके हुआ है इतनी मेहनत लगती है इस चीज में देख रहे हो आप इतना इजी नहीं है खाली नजर लगाता है यार अपनी लगती है नजर लेंस डलवाली लेंस तो अभी जा रहे हैं पवनदा के साथ घूमने लेट्स गो लेट्स गो कैमरा पोछ लेना भाई को काम मिलने वाला है सुपरवाइजर का कई एंगल बन जाएंगे कई एंगल बस माइंड में क्रिएटिविटी होनी चाहिए ये देखो पवनदा यहाँ खड़े हैं और ऐसा हो गया है कि पवनदा से कोई मिलना चाह रहा है लेकिन वो आ ही नहीं पा रहे हैं मतलब शर्मा रहे हैं पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि अरे आ जाओ यार आ जाओ फोटो खिंचवा लो आ जाओ वो शर्मा रहे हैं बहुत शर्मा रहे हैं मेहंदी कई लोग ऐसे होते हैं हमारे पहाड़ के लोग बहुत शर्मीले हाँ करते हैं अब वो दीदी थी वो अपने बच्चे को लेके जाते हो यहाँ से लेके बहुत देर से देख रहे हैं मिले ना मिले ना मैंने खुद ही बुलाया लेकिन यहाँ तो भाई यार हमेशा की तरह वही भीड़ खतरनाक हो गया भाई ये अच्छा सुनो तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे मैं पवनदा से कैसे मिला एक्चुअली पवनदा ने एक कंपटीशन रखा था जिसमें विनर मैं हूँ तो जो उनका घर बन रहा था उनने वो 50 आधे रेट पे मेरे को देने वाले हैं तो आओ दिखाते हैं आपको और जानते हैं कि पवनदा मेरे को घर दे क्यों रहे हैं वैसे अपना यार अब दादा ही बताएंगे कि क्यों दे रहे हैं मेरे को यार मैं तो इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों देखो इतना हैंडसम डार्क हैंडसम बंदा है और देखो कोई चिल मुख ना लगूने दगड़ियो अब हल्द्वानी में प्लॉट हो जाएगा तो इसका भी घर बार बजाएगा ये झूझ है इसका भी हो जाएगा इसलिए मैं परोपकार कर रहा हूँ तो अगर तुम्हारा ब्याह नहीं हो रहा है तो पवन पाठे संपर्क करें मेरी तरफ से 200 स्क्वायर फीट का प्लॉट फ्री नजर लगूना अरे दादू उसको तो नजर से बचा लोगे पर घर को देखना नजर लगूना अरे दादू उसको तो नजर से बचा लोगे पर घर को नजर से कैसे बचाओगे दोस्तों आज का दिन पूरा पवनदा के साथ ही हूँ मैं एंजॉय कर रहे हैं काफी फन कर रहे हैं
और मस्ती कर रहे हैं। बने रहो ब्लॉग में और देखो एंजॉय करो आप भी। एक्चुअली दोस्तों ये एक प्रैंक था, कुछ गिव वे नहीं हुआ है, कुछ इनाम नहीं हुआ है। एक्चुअली एक चीज का प्रमोशन करने के लिए आए थे, एक्ट कर रहे हैं। मुख में सरसों तेल चुपड़ता हूँ, तन में छिड़कता हूँ बासिल सेंट। बासिल सेंट मैं बोलूंगा वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है। तो घर को अगर तू बोला कि मुख में सरसों तेल चुपड़ता हूँ, तन में छिड़कता हूँ बासिल सेंट, तो घर को अगर मजबूत बनाना है। सो गाइस अभी डायलॉग सुनो भाई का। और कौन है तू? मैं भी कहना चाहता हूं, भात पकाने के लिए तौली, पानी के लिए कलर, अगर घर को मजबूत बनाना है तो यूज करें पानी। तो भाई आज थक तो नहीं गया मेरा लल्ला? बस यार मेरा लल्ला, मेरा लल्ला थक तो नहीं गया? पानी लाऊं तेरे लिए? काला ही तो है तू, तू गोरा है क्या? तू मेरे सामने देख भाई, स्मार्ट देख ना, गोरा एकदम, गोरा चिट्टा हूं भाई, लाल दिख रहा तेरा, काला गोरा चिट्टा हूं भाई मैं, देख ना स्मार्ट बॉय ब्रो। अरे यार मेरे बाइसेप्स दिख रहे हैं, बाइसेप्स नजर नजर ना लगे यार, लग जाए ऐसे बाहर भाई उसको। ये गंदी लैंग्वेज मत यूज कर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ओके पार्टी, लड़ाई खत्म करो यार। बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, कैसा लगा? मेहनत है नहीं है? अरे भाई साहब दिमाग की दही हो जाती है, लगता है रील बना। मैंने इतना इजी नहीं है भाई, मैंने बताया है हमेशा बहुत टाइम लगता है। सुबह से मेरे को लगता है 4 घंटे, 8 बजे आ गए थे, 4-5 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, बहुत टाइम लग गया सुबह से। सो गाइस पौंदा के साथ आज खूब ज्यादा एंजॉय किया, देख ही लिया आप लोगों ने। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी है मतलब एंजॉय किया, फन खूब, और फॉलो कर देना। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आज विशाल भाई और पंकज भाई के साथ, और विशाल भाई का भी चैनल है रिबॉर्न विशाल करके, तो चैनल पे दया दृष्टि बनाना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो ओके बाय, ओके जी ठीक है भैया, ठीक है, ओके भाई, ठीक है भाई जी।